हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बच्चों की डिमांड पर घर पर बनाने जा रही हूँ नूडल्स, चाउमीन जिसे कहते हैं, तो वही नूडल्स की रेसिपी हम ट्राई करने जा रहे हैं। तो बना ही रहे थे तो सोचा कि चलिए आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है 3 लीटर पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम बनाने वाले हैं। और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच तेल। अब उसके बाद रिफाइंड ऑयल हमने इसलिए डाला है कि उससे हमारे नूडल्स चिपकेंगे नहीं। अब हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से नूडल्स डाल दिया है और इसे थोड़ी 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। और हमें नूडल्स को तब डालना है जब हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो चुका हो, एकदम खोल रहा हो, उस समय हमें नूडल्स को डालना है। और डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, हमें बस इतना चेक करना है कि जब हम नूडल्स को हाथ में लेके तोड़ें तो वो टूट रहा हो, मतलब 80% तक ही पकाना है, उससे ज़्यादा हमें उसे नहीं पकाना है। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक थोड़ा सा पानी ठंडा लेके और उसी नूडल्स में हम डाल देंगे, खोलते हुए पानी में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि कुकिंग प्रोसेस हमारा तुरंत के लिए रुक जाएगा, लेकिन अभी भी हमें इसे तुरंत ऐसे ही नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम लेंगे एक जाली वाली थाली है, जो भी आप कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें छेद हो और पानी अच्छे से निकल जाए, और इसमें हम अपने पूरे नूडल्स पलट लेंगे। और पलटने के बाद फिर इसे हम ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे नूडल्स एकदम ठंडे हो जाएंगे और ये फूल के भी थोड़ा सा बड़ी साइज में हो जाएंगे। तो आइए कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से ऐसे करते हुए, उछालते हुए इसका पानी हम पूरा निचोड़ लेंगे, हटा देंगे, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसे पानी डालकर ठंडे पानी से हम खूब अच्छे से धुल लेंगे। नूडल्स हमारे बहुत गर्म है इसलिए छूने में प्रॉब्लम हो रही है। अब इसे उलटते पलटते हुए हम अच्छे से, और आइए चेक करते हैं कि ये देखिए, बस हमें इतना ही इसे पकाना था। अब इसका सारा पानी निकाल देंगे और निकालने के बाद इसे हम एक बड़ी सी प्लेट में, प्लेट या परात जो भी हो, मतलब खुला बर्तन होना चाहिए जिसमें आप इसे अच्छे से, अब सारे नूडल्स को हम अलग अलग कर देंगे और एक बड़ी सी परात में इसे ठंडा होने के लिए या किसी बड़ी सी प्लेट में रख देंगे कि हमारे नूडल्स ठंडे हो जाए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आप दुपट्टा वगैरह में भी इसे फैला सकते हैं। अब हम ले लेते हैं सब्जियाँ। तो इसके लिए हमने ली है 4 से 5 हरी मिर्च, 1 कैप्सिकम, 1 प्याज, गाजर, और सभी चीज़ों को अच्छे से बारीक हम चॉप कर लेंगे। गाजर को काटने का इसमें एक ट्रिक हमने देखा था, तो उसी के हिसाब से हमने काटा है। और सभी सब्जियों को एकदम महीन महीन लंबे लंबे काटेंगे, जैसे चाउमीन हमारी है सेम वैसे ही। सारी सब्जियां कटकर तैयार हो गई। अब इतनी देर में देखते हैं कि हमारा जो नूडल्स है वो हल्का सा सूखने लगा है, तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। और डालने के बाद इसे अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे ये जो सूख रही हैं ये जब तेल के साथ मिक्स होंगे तो एकदम अलग अलग हो जाएंगी। इससे जब हम इसको बनाने लगेंगे तो उस समय हमारी नूडल्स चिपकेंगी नहीं और एकदम अलग अलग हो जाएंगी। अब हम ले लेंगे 2 से 3 कली हमने गार्लिक के लिए है, और इसे भी खूब बारीक बारीक काट लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसमें चिली गार्लिक टेस्ट देना है। आप चाहें तो गार्लिक को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हमने लिए 1 कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसमें हमने डाल दिया लहसुन, हरी मिर्च। हमें किसी भी सब्जी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि इसमें सब्जियों का स्वाद क्रंची ही रहता है तो अच्छा लगता है। और सारी सब्जियों को हमें फुल फ्लेम पर पकाना है, एकदम तेज आंच पर। और इसे थोड़ा सा इधर उधर चला देंगे, इससे क्या होगा कि तेल हमारी कढ़ाई में पूरे में अच्छे से
फैल जाएगा। अब हमने जो और सब्जियां काटी थी वो भी इसमें डाल देंगे और सारी सब्जियों को ऐसे ही चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं लगभग। अब इसमें हम डाल देते हैं जो पत्ता गोभी हमने बारीक बारीक काट कर रखा था वो भी डाल देंगे। उसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि अगर उसे हम स्टार्टिंग में डाल देते तो उसका क्रंच ख़त्म हो जाता, उसे हमें एकदम क्रंची ही रखना है। तो बस उसे एकदम लास्ट में डालने के बाद एक दो बार हम बस उसे चलाएंगे और उसके बाद हम इन सारी सब्जियों को एक जो बड़े बर्तन में हमने नूडल्स रखे हैं उसी में पलट लेंगे। अब हम वो उस कढ़ाई को हटाकर ये नूडल्स वाली कढ़ाई को रख देते हैं गैस पर और सारे सब्जियों को इसमें हम पलट लेते हैं। अब इसमें हम सॉसेस वगैरह मिलाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को खूब सारा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप सभी के साथ नई नई रेसिपी शेयर करते रहें। तो हमने सारी सब्जियों को पलट लिया है। अब इसे हम इसमें डालेंगे हम सॉस वगैरह। तो सॉस या फिर जैसे तीखापन है ये आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, किसी को कम पसंद होता है किसी को ज़्यादा पसंद होता है। अभी हमने इसमें 2 ही चम्मच सोया सॉस डाला है लेकिन अभी थोड़ी अब डालेंगे 2 चम्मच विनेगर। हमने इसमें थोड़ी देर बाद सोया सॉस और ऐड किया था और विनेगर भी थोड़ा सा ऐड किया था। अभी हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमने सब चीज़ें कम डाली थी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने डाला है 1/2 चम्मच चिली सॉस क्योंकि हमने हरी मिर्च का यूज़ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं किया था और 1/4 चम्मच काली मिर्च। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्वादानुसार नमक डाल दिया हमने। अब हम लेंगे 2 प्लेट क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ होता है इसे मिक्स करना ही। अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हो और स्पाइसी खाना पसंद हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मिर्च और ऐड कर सकते हैं। अब हमारी चाउमीन बनकर इसे बस अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है और नूडल्स बनकर रेडी हैं।